यस स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। अभी इंग्लिश लिटरेचर चलेगा आपका, लेसन नंबर 40। लेसन का नाम है द रावण। द रावण ये इंग्लिश लिटरेचर लेसन 14 है। आई होप कि आप सारे लोग पहुंच गए होंगे, यहाँ तक कनेक्ट हो गए होंगे। तो आज हम इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस लेसन के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली है एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हम बताएंगे कि स्टोरी में है क्या। ये लेसन 14 द रावण है, तो इस लेसन में क्या है इसके बारे में हम तुम्हें बता दें, जिससे आपको आंसर लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो आप सारे लोग रेडी हैं क्या? आप सारे लोग रेडी हैं मैम? लेसन 14 द रावण की बात करूंगा। एक बड़ी फेमस पोएम है, एलन पोए ने लिखा है। बच्चे स्टोरी एक्सप्लेनेशन में मैं द रावण की बात करूंगा। एक बहुत ही फेमस पोएम है, प्रसिद्ध पोएम है, और इसके लिखने वाले जो है वो हैं एडगर एलन पोए। इसके जो राइटर है पोएम पोए थे बेटा, वो हैं एडगर एलन। ये एक्चुअली बेटा पोएट है। इस लेसन के क्या है, इस पोएम के पोएट है। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ स्टूडेंट, जो पोएम होती है उसको लिखने वाले को पोएट कहा जाता है, जो पोएम होती है उसे लिखने वाले को पोएट कहा जाता है, और जो स्टोरी होती है स्टूडेंट उसको लिखने वाले को राइटर या ऑथर कहा जाता है। स्टोरी जो लिखता है उसको उसे कहेंगे राइटर, या फिर कहा जाता है ऑथर। पोएम को लिखने वाले को पोएट या फिर कंपोजर कहा जाता है, कंपोजर भी कहते हैं, अथर या कंपोजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि पोएट कौन होता है, कंपोजर कौन होता है, अथर कौन होता है, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट आइए स्टोरी एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूंगा। लेसन 14 लिटरेचर का है द रावण। मैं बताऊंगा कि पोएम में है क्या। एक विंटर इवनिंग की बात है, ये मिस्ट्री स्टोरीज और पोएम को लिखते हैं, याद रखिएगा। एक चीज और भी है, जो एडगर एलन पोए है ये मोस्टली मिस्ट्री पोएम को लिखेंगे, जहां पर राहत से रहता है, जहां पर बातें बड़ी ही क्लोज होती हैं या बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है, ऐसी स्टोरीज और पोएम लिखने के लिए एडगर एलन पोए जाने जाते हैं। तो बात है ऑन अ विंटर इवनिंग, एक ठंडी की शाम की बात है, ठंडी का समय है, शाम का टाइम है, लिख रहे हैं इसमें। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज डोजिंग ऑफ व्हाइल रीडिंग स्टोरी ऑफ अ लॉन्ग एगो। डोजिंग ऑफ का मतलब ऊंघ जाना या किसी तरीके से क्या हो जाना बेटा, लेट जाना। पोएम जो यहाँ पे स्पीकर है जो बता रहा है, वो एक स्टोरी पढ़ रहा होता है, और स्टोरी पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा वो सो जाता है, लेट जाता है। ही डिस्टिंक्टली हियर्स अ नॉक ऑन द डोर। अचानक वो अलग अलग तरीके की आवाज सुनता है, जैसे कि उसके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा। अलग अलग तरीके की आवाज आती है उसके दरवाजे पर, और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। पोएट को यह लगता है, स्पीकर को यह लगता है, जैसे कि कोई उसके दरवाजे पर खड़ा हो, नॉक कर रहा हो, खटखटा रहा हो। आगे है, ही अज्यूम दैट इट इज अ विजिटर। उसने सोचा कि ये कोई मिलने वाला आया है, कोई मुझसे मिलना चाहता है, वो आया होगा। उसको ऐसे लगा कि दरवाजे को जो व्यक्ति नॉक कर रहा है वो ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे मिलना चाहता है, राइट, या मिलने के लिए आया है कोई ऐसा व्यक्ति। ही इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ द लॉस ऑफ हिज डियर डिपार्टेड लेनोर। उसको अचानक रिमाइंड हुआ कि उसके एक डियर फ्रेंड, डियर व्यक्ति जो जल्द ही एक्सपायर हुए हैं, डिपार्ट किए हैं, जिनका नाम है लेनोर। उनको याद आई बात, स्पीकर ये तो सोचता है कि कोई मिलने आया होगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मित्र के बारे में सोचता है,
द नॉकिंग कंटिन्यूज एंड ईच टाइम द स्पीकर थिंक्स इट इज विजिटर एंड नथिंग मोर। दरवाजे पे खटखटाहट नॉक करने करने का जो तरीका था वो लगातार हो रहा था। जो भी व्यक्ति दरवाजे पे था वो लगातार नॉक कर रहा था। ही वॉज नॉकिंग कंटिन्यूअसली, राइट। वो लगातार क्या कर रहा था स्टूडेंट, नॉक कर रहा था, दरवाजे को खटखटा रहा था। ही वॉज नॉकिंग कंटिन्यूअसली। आगे लिखा है विजिटर, पोएट को ये लगा, स्पीकर जो था, जो स्टोरी बता रहा है, जो ये पोएम बता रहा है या लिख रहा है, उसको ये लगा कि भाई कोई दरवाजे से मिलने ही आया है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। वो लेटे लेटे सोच रहा है, लेटे लेटे क्या कर रहा है, सोच रहा है कि कोई दरवाजे से आया है, मिलने वाला ही है विजिटर। ही आस्क्स इफ दैट इज लेनियर, बट ऑल ही गेट्स इज एन इको। उसको लगा कि शायद ये लेनियर हो सकता है। व्हेन ही टर्न्स बैक टू द रूम ही हर्ड a loud knocking from somewhere close by। जैसे ही ये स्पीकर दरवाजे की तरफ दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है, उसे अपने आसपास ही कुछ खटखटाने की आवाज आने लगती है। अभी तक तो दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये दरवाजा खोलने के लिए उठता है, स्टूडेंट इस स्पीकर को अपने आसपास ही कुछ खटकने की आवाज आ रही। He thinks it is the wind and nothing more। ये सोचता है कि ये हवा हो सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो कोई नहीं है, घर पूरी तरीके से बंद है। जो विजिटर है वो दरवाजे को बाहर से नॉक कर रहा है, लेकिन पोएट को फील होता है कि कोई है, जो दरवाजे जो हमारे अंदर, हमारे आसपास ही, घर के अंदर ही कोई नॉक कर रहा है, कोई खटखटाहट की आवाज आ रही, लेकिन पोएट सोचता है कि हवा हो सकती है, विंड हो सकती है। पोएट यह He thinks it's the wind and nothing more। But when he opens a shutter, a raven appears just about his room door। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, दरवाजे को खोलता है, तो स्टूडेंट वो देखता है कि रावण, ठीक है, रावण है जो दरवाजे पर खड़ा है, रावण है जो क्या है, दरवाजे पर खड़ा है। स्टूडेंट ये इसका एक फ्रेंड है, डरता भी रहता है, सोचता भी रहता है कि दरवाजे पे कौन हो सकता है, अंदर कोई खटखटा रहा है। ये सारी चीजें थी एक तरीके से पूरी, अगर आप देखेंगे स्टोरी में, इनकी पोएम के एक्सप्लेनेशन में एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, और लास्ट में वो रहस्य रिवील भी हो जाता है कि कोई नहीं था, उनका एक फ्रेंड था दामन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। 8 लाइन पोएम आप अपने कॉपी में लिख देंगे स्टूडेंट, ये पोएम है, तो आपका होमवर्क रहेगा 8 लाइन्स पोएम, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लेसन 13 का क्वेश्चन आंसर मैं तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ। लेसन 13 का क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ स्टूडेंट। आई होप कि आप सारे लोग नोट्स नोट को कर लेंगे। अभी की क्लास में स्टूडेंट इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।